कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं। मतलब ये कंसेप्ट जो है वो हमें आगे चलकर पूरे फिजिक्स में एक तरीके से सहायता करने वाला है ना। आज से हम बलों के बारे में, हमने बल के बारे में से बात कर ली है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम पढ़ लिया है, तृतीय नियम भी पढ़ लिया, लेकिन हम उसी चीज में अब अगर किसी भी एक वस्तु पे एक से ज्यादा बल लग रहे हैं तो उसे किस प्रकार से हल करते हैं, कैसी चीजें होंगी, क्या क्या सवाल होंगे, उन सब पे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास जो है ना, वह आपकी नींव बनने वाली है आने वाले पूरे फिजिक्स के लिए। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन आराम आराम से हर एक चीज को बहुत डिटेल में और बढ़िया तरीके से समझेंगे। क्लियर है बेटा? है ना। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट, फिर से मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं। और इसके अलावा बेटा आज की क्लास है ना, वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग हर क्लास के बाद में कम से कम 2 से 3 बार जो मैं सवाल करवाता हूं वो प्रैक्टिस करते होंगे। आज की क्लास में भी आपको, आज की क्लास में तो सुनिश्चित करना है कि कुछ भी हो जाए, मैं हर एक डायग्राम को, सर जितने डायग्राम में क्लास बनवाएंगे हर एक डायग्राम को कम से कम 2 से 3 बार बनाकर जरूर देखूंगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास से हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने गति का प्रथम नियम पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने बल पढ़ा, संवेग पढ़ा, फिर गति का दूसरा नियम पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने आवेग के बारे में जाना, आवेग से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें करी, फिर गति का तृतीय नियम पढ़ा हमने, और उसके बाद में अब से हम पढ़ने वाले हैं मुक्त पिंड आरेख। मतलब देखा जाए तो ये गति के नियम खत्म हो चुके हैं, अब इन्हीं से जुड़ी जो आगे की कहानी है वो हम देखने शुरू कर रहे हैं। इस कहानी में ये जो मुक्त पिंड आरेख हम पढ़ने वाले हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है। आपको नीट का एग्जाम देना हो तो मुक्त पिंड आरेख बनाना क्लियर होने चाहिए। वो बात अलग है कि आने वाले समय में हम इनसे जुड़ी बहुत सारी ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज से मुक्त पिंड आरेख। उसके बाद में अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में जानेंगे, और उसके बाद में आने वाली क्लास में फिर हम रस्सी में तनन और उसके बाद में स्प्रिंग बल और छदम बल पर चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और मुक्त पिंड आरेख पर चर्चा शुरू करते हैं। फिर अभिलंब प्रतिक्रिया बल और लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार पर भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? मतलब ये भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अंदर ही आता है। चलिए तो सबसे पहले हमें समझना होगा मुक्त पिंड आरेख क्या होता है। इसे इंग्लिश में फ्री बॉडी डायग्राम या शॉर्ट में मैं इसे FBD भी बोलूंगा, है ना। तो अगर मैं आने वाली क्लास में, आने वाली अनंत क्लासों में कभी भी FBD बोलूं तो आपके मन में क्या आना चाहिए? अच्छा सर, फ्री बॉडी डायग्राम या मुक्त पिंड आरेख की बातें करना चाह रहे हैं। अब देखो, ये फ्री बॉडी डायग्राम जिसे शब्दों से समझ में आता है मुक्त पिंड आरेख, मतलब एक ऐसा आरेख या एक ऐसा डायग्राम होने वाला है जो कि बॉडी से या एक पिंड से मुक्त हो, है ना। मतलब उस पर लगने वाले जो बल है, उस पर जो लगने वाले जो बल है बेटा, वह सभी बल हम एक जगह से गुजारेंगे, एक बिंदु से गुजारेंगे और उस बॉडी को हटा देंगे या उस पिंड को हटा देंगे, ताकि हम उन सभी बलों का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाए। ये जो अभी मैं बनाने जा रहा हूं वो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा स्टार्टिंग में आसान ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले भी थोड़ी थोड़ी समझा दी है। चलिए तो हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें एक शब्द समझना होगा जिसको हम बोलते हैं बिंदु पिंड या बिंदु पिंड या वस्तु भी बोल सकते हो आप। तो अभी बिंदु पिंड या बिंदु वस्तु जो है वो क्या चक्कर है, देखो बेटा हम
हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं अभी और आगे चलकर जो भी सब कुछ पढ़ेंगे, उन सभी में हम जितनी भी डायग्राम बनाएंगे या जितनी भी वस्तुएं हम लेंगे, वो सारी वस्तुएं जो होंगी वह पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगी, है ना। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सारे इंग्लिश के शब्द में क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों, क्योंकि काफी किताबों में है ना इंग्लिश में ही लिखे हुए रहते हैं। और ब्रैकेट में ना बहुत लोग तो उसे मुक्त पिंडारक बोलते भी नहीं, एफबीडी ही बोलते, ठीक है। और ब्रैकेट में ही इंग्लिश में चीजें लिखी रहेंगी, इसलिए हम इसे इंग्लिश में आपको लिखकर बता रहे हैं। अच्छा, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब हम जो भी वस्तुएं अभी लेंगे या जिनके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, वो सब कैसी होने वाली है, वह सब बहुत छोटी होने वाली है। तो सर क्या हम कभी बड़ी वस्तु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे? करेंगे बेटा, है ना। लेकिन हमारा ये कंसिडरेशन रहेगा या ये बात मानते हुए हम ये पूरा चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं कि यहां पर इन सभी वस्तुओं का जो द्रव्यमान है, इन सभी वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वह एक बिंदु पर समेटा जा सकता है, ऐसा मानकर हम सॉल्व करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो यहां पर ये एक बहुत बड़ा पिंड मैंने बनाया है ना, और इस पिंड पर से अगर मैंने यहां पर से बल बनाए, ये दो बल बनाए है ना, तो ये दो बल क्या कर रहे हैं, ये दो बल इस वस्तु को आगे चला रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैंने एक बल की दिशा बदल दी है ना, एक बल की दिशा बदल दी, मतलब जो इधर की तरफ लग रहा था उसे मैंने इधर से लगा दिया, अब क्या होगा, क्या ये वस्तु चलने वाली है? एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, नहीं सर, नहीं चलने वाली है। लेकिन ऐसा हो सकता है बेटा कि जैसे देखो यहां पर ये पेन है, क्या ये पेन अभी ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, ये लंबा पेन है, इतना बड़ा पेन है। तो अगर मैंने इस पे दो बल लगाए है ना, देखो इस पे दो बल लगाए, ये वाले दो बल, एक इधर से लगा और एक नीचे से लगा ना, ये बीच में से तो पकड़ के रखा मैंने, नीचे गिर जाएगा, ये दो बल लगाए मैंने, तो देख ये चला नहीं लेकिन घूम गया, ये चला नहीं लेकिन घूम गया। तो ये घूम क्यों गया है ना, तो ये घूमने वाली गति को अभी हम नहीं करने वाले हैं, अभी हम घूमने वाली चीजों को नहीं पढ़ने वाले हैं। ये वास्तव में अगर आपने दो बल लगाए और यह कहीं ऊपर और नीचे या दो जो बल लगे हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी रह गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, यह वस्तु घूमने लगेगी या घूर्णी गति करने लगेगी। वो अलग से हम एक चैप्टर पढ़ेंगे घूर्णी गति वाला, तो उसमें हम घुमाएंगे। तो अभी हम क्या मानेंगे, अभी हम ये मानेंगे कि हमने ये जो देखा, ये जो अभी सुना, वह सब कुछ वैध बात नहीं है। हम बस ऐसा मानेंगे कि ये वाला जो वस्तु है या कोई भी एक पिंड है ना, किसी भी आकृति का हो सकता है, उसको हम एक बिंदु ऑब्जेक्ट मानेंगे या एक सॉरी पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब कि हम ये जो सारे बल है वो अगर ऐसे भी बना दे, एक बल इधर से एक बल इधर से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, ठीक है। मतलब हमने सब है भले ही बहुत बड़ा, जैसे पहने बहुत बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं है ना, यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का फील आया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या फील आया कि मैं इस पूरे को उठाकर एक बिंदु बना दूं, है ना, इस पूरे को उठाकर मैं एक बिंदु बना दूं, ले एक बिंदु बना दिया। अब ये सारे बल इस पे लगा दूं मैं, एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, तो अगर मैं इसको भी उठाकर बिंदु बनाऊं तो बात बराबर ही होगी। मतलब वस्तु की जो आकृति है वह बहुत छोटी मानेंगे हम, है ना, बहुत छोटी आकृति मानेंगे या उसका जो साइज है वो बहुत छोटा मानेंगे। तो यहां पर ये एक बिंदु से बल गुजर रहे हैं, एक बिंदु से ये बल गुजर रहे हैं। तो अब यही चीज हमें करना है जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। हम क्या करेंगे, एक वस्तु पर जितने बल लग रहे हैं उन सभी बलों को एक समान बिंदु से गुजार देंगे, ताकि हम ये देख पाए कि इन सबका परिमाणी कैसा है ना। जैसे दो एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो मैंने बोला कि आपको यहां पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, मैंने आपको बोला कि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है ना, इनके कोण दे दिए मैंने आपको, चलो मान के चलो कोण दे दिए, F1, F2 और F3 दे दिया। क्या आप इन सभी का परिमाणी बल ज्ञात करके दे सकते हो मुझे? हाँ सर, 100% तरीके से हम इनका परिमाणी बल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम सबका परिमाणी बल? हम इसके घटक ले लेंगे, ऐसे वियोजित कर लेंगे एक्स और वाई में, घटक लेकर
घटक लेकर हम क्या कर सकते हैं भैया, घटक लेकर हम परिमाणी बल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिमाणी बल निकाल सकते हैं घटक लेकर, एफ नेट, ये इसे हम क्या बोलेंगे, एफ परिमाणी या बल या परिमाणी बल। तो एफ नेट जब भी लिखूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए सर जी परिमाणी बल की बात कर रहे हैं। तो परिमाणी बल की बात कर रहे थे, एफ नेट हो जाएगा तो ये घटक लेकर हम कार्यक्रम कर सकते हैं। आगे बात समझ में बेटा, है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। तो अब ये तो सर हमें आता है, तो अब इससे उस तक कैसा पहुंचा जाए वो अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, है ना, ध्यान से समझना। क्या करेंगे हम पहले एफबीडी बनाने के जो स्टेप्स है वो आपको बता रहा हूं मैं, है ना। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई भी एक वस्तु है जिसपे हर एक दिशा से पांच छह बल लग रहे हैं या पता नहीं कितनी दिशाओं से कितने बल लग रहे हैं, उसको अगर ऐसा बनाना सिखा दिया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक्स घटक वाई घटक, एक्स घटक वाई घटक, एक्स घटक वाई घटक लेकर आप इसका परिमाणी बल निकाल सकते हो। तो वैसे ही चीजें हमने यहां पर समझ रहे हैं कि क्या स्टेप्स है एफबीडी बनाने की। तो बेटा क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेप नंबर वन, पिंड पर सभी बलों को आरेखित करें। मतलब एक पिंड है उस पे सभी बल बना लो, जितने बल बताए या तुम्हें लगता है कि हाँ ये भी बल लग रहा होगा वो भी बल लग रहा होगा। अभी कैसे लगेगा तुम्हें वो जब बल के बारे में पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो सभी बल इस पिंड पर सभी बलों को आरेखित करें। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर टू एक्स वाई तल में मूल बिंदु से गुजरते हुए सभी बलों को बना ले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इन सभी ये जो भी बल होंगे उनको मूल बिंदु से गुजरता हुआ बनाना है ना, सदिश में हर बल सदिश की, इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करके हम लिख देते हैं, हर बल सदिश की पूंछ, ये जो बातें बता रहा हूं बेटा कहीं नहीं लिखी मिलेगी, ये मेरे अपने नोट्स है ना, जो सात सालों से पढ़ते पढ़ते मैंने जो बनाए हैं उनका इन डेप्थ नॉलेज है कि कहां कहां बच्चा फंसता है ना, तो उसी के बारे में ये सब लिखा गया है। हर बल सदिश की पूंछ मूल बिंदु से गुजरे, मूल बिंदु पर हो, है ना। तो मतलब हर एक जो भी सदिश बनेगा उसकी जो पूंछ है वो मूल बिंदु पर बनानी है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में एक्स और वाई घटक में सभी बल सदिशों को, सभी बल सदिश को एक्स वाई घटक में वियोजित कर परिमाणी बल निकालें। परिमाणी बल ज्ञात कीजिए। अब हमने स्टेप्स पता चल गई, स्टेप नंबर वन पिंड पर सभी बलों को आरेखित करें, फिर एक्स वाई तल में मूल बिंदु से गुजरते हुए सभी बलों को बना ले, हर बल सदिश की पूंछ मूल बिंदु पर हो। इसके बाद में सभी बल सदिश को एक्स वाई घटक में
वियोजित करके परिमाणी बल ज्ञात कीजिए। चलो तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएं मुक्त पिंड आरेख? तो देखो बेटा, यहां पर अभी हम कोई भी एक रैंडम वस्तु ले रहे हैं ना, कोई भी आकृति हो सकती है, मुझे नहीं पता। इस पर इधर से एक बल लग रहा है ना, इधर से एक बल लग रहा है और इधर से एक बल लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बनाना है इसका परिमाणी बल। तो देखो यह हवा में है, बिल्कुल हवा में है, तो इसमें सारे बल तो उसने ही बनाकर दे दिए, सारे बल उसने ही बनाकर दे दिया। उसने बोला ये F1 है जो यहां से 30 डिग्री पर, क्षैतिज से 30 डिग्री पर, यह F2 जो है वो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पर, और F3 जो है वो क्षैतिज से 60 डिग्री पर लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमने ये गुण भी पढ़ा है सदिश का कि एक सदिश को हम उठाकर ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, जैसे इसको उठा के इधर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हम यहां पर करेंगे। हम यहां पर ये मूल बिंदु बनाएंगे, एक्सवाई तल बनाया, मूल बिंदु बनाया, एफ वन को उठाकर यहां पर रख दो, है ना, स्टेप नंबर टू। F1 को उठाकर यहां पर, और कैसे रखना है कि जो पूंछ है, पूंछ जो है वह मूल बिंदु पर आ जाए, पूंछ जो है वो मूल बिंदु पर आ जाए, तो ये F1 हो गया। अब कोण कैसे ले गुरुजी? F1 का क्षैतिज से कोण 30 डिग्री है, F1 का क्षैतिज से कोण कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना लो, खत्म कहानी। अच्छा ये F1 हो गया। F2 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कहीं यहां पर जा रहा है, इसको मैंने उठाकर यहां रख लिया, इसको उठाकर वहां रख लिया, और इसका ऊर्ध्वाधर से कोण 30 डिग्री है। इसी प्रकार से F3 जो है वो यहां पर रख सकता हूं मैं, और इसका क्षैतिज से कोण 60 डिग्री है। अच्छा सर आप ऐसे कैसे कोण देख रही हो भैया, यहां पर आपको तो पता चल जाता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ना, ये ऐसे कैसे पता कर लेते हो आप कि सर ये वाला कोण तो नीचे दिया आपने तो ऊपर बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये क्षैतिज से 60 डिग्री है। तो अगर मैं इसे देखने का करूं, इसे और आगे ले जा रहा हूं, तो अगर ये वाला कोण भी देखो तो 60 डिग्री ही होगा ना, ये देखो वाला कोण भी 60 डिग्री बनाया, तो बात बराबर ही है। तो क्या करना है हमको सर, हमको यहां पर जो भी मुक्त पिंड आरेख बनाने का बोला जाएगा, जरूरत अभी वैसे सवाल में मुक्त पिंड आरेख बहुत कम बोला जाएगा, हमें जरूरत पड़ेगी मुक्त पिंड आरेख बनाने की, है ना। तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम जो पिंड है उसमें सारे बल बनाएंगे, सारे बल बनाकर उन्हें एक बिंदु से गुजार देंगे, कहानी खत्म। एक और एग्जांपल करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान के चलो यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ था टेबल पर, है ना, तो इस पर नीचे की तरफ mg, मैं बता रहा हूं अभी आपको, mg लग रहा है, एक बल इधर से F1 लग रहा है, और ऊपर एक नॉर्मल अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है जिसके बारे में जस्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर। तो अब आपको इसका मुक्त पिंड आरेख बनाना है। देखो मुक्त पिंड आरेख बनाओ तो क्या होगा सर, यहां पर हम XY तल बनाए, ये मूल बिंदु बना दिया, ये Y है, ये X है। अब क्या करें, अब यहां पर जो MG है वो नीचे की तरफ लग रहा है और Y अक्ष पर ही लग रहा है, तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है, MG नीचे की तरफ लग गया। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, यहां पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, है ना। अभी ये mg नॉर्मल कहां से है वो दिमाग नहीं लगाना है, अभी तो क्या दिमाग लगाना है कि अच्छा सर ने ऐसा बनाया तो उसका मैं मुक्त पिंड आरेख बनाना सीख लूं पहले, फिर ये mg और नॉर्मल भी खुद से बना पाओगे। एक F1 बल क्षैतिज में लग रहा है, तो ये F1 बल क्षैतिज में लगा दो भैया, तो ये F1 बल हो गया, ये इसका मुक्त पिंड आरेख बन गया, दैट्स इट, क्लियर है बेटा, है ना। अब मुक्त पिंड आरेख में हम इसको घटक ले सकते, लेकिन घटक लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्स और वाई में है सब कुछ, तो ऐसे हम मुक्त पिंड आरेख बना सकते हैं, क्लियर है। अभी कुछ भी नहीं सीखा, केवल मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और हम चर्चा शुरू करना जा रहे हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर। अब हम ये एक नए प्रकार का बल है, अब देखो हमें क्या करना है आगे चलकर, हमें बल के बारे में पढ़ना, अलग अलग प्रकार के बलों के बारे में ज्ञान करना है,
तो यहां पर अब सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल की। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है पहले तो ये समझना होगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब दो वस्तु सीधे संपर्क में, देख मैं लिख सकता था संपर्क में, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं सीधे संपर्क, मैंने लोगों को संपर्क में सोचा दूर दूर संपर्क में, नहीं सीधा संपर्क मतलब एक दूसरे को टच करे। जब दो वस्तु सीधे संपर्क में टच करे, क्या करे भैया टच करे एक दूसरे को, जैसे तुम जमीन को टच कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया टच कर रहे हो जमीन को, टच करना मतलब कि जैसे हाथ लगाना है या पैर लगाना बात बराबर ही है। जैसे मैंने बोर्ड को टच करा, तो बोर्ड को टच कर रहा हूं मैं, तो यहां पर मेरे और बोर्ड के बीच में जो बल कार्य कर रहा है उसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्लियर है? और उसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं इसके बारे में, फिर इसको बनाना सीखेंगे। दूसरी बात, यह जो संपर्क में सतह होती है, संपर्क में सतह के लंबवत होता है, सदैव सदैव संपर्क में जो सतह है ना, दो दो वस्तुओं के संपर्क, जैसे ये एक वस्तु यहां पे हाथ पे हाथ रखा है, तो ये हाथ पे हाथ रखा हुआ है तो ये नॉर्मल कार लग रहा होगा, हाथ के लंबवत लग रहा होगा। आ रही है बात समझ में, है ना? जैसे पैर, तुमने जमीन पर पैर रखा है तो यहाँ पे नॉर्मल कहाँ होगा, तुम्हारे पैर पे ऊपर की तरफ होगा, जो तल है उसके लंबवत। सर ऐसे मैंने सर तिरछा पैर रख दिया, तो अगर तूने तिरछा पैर रख दिया, मान लो तुमने सामने दीवार पे पैर लगा दिया ऐसे, तो दीवार पे पैर लगा दो, अब जो संपर्क है वो ये पैर और सामने दीवार, तो इसके अभिलंब इस तरफ लगने लगेगा, वो क्षितिज में लगने लगेगा। तो जो भी संपर्क होगा या जो भी जहां पर भी दो वस्तुओं की संपर्क सतह होगी उनके लंबवत होता है सदैव। उसके बाद में यह बल धक्का लगाता है, या वस्तु से दूर की तरफ कार्य करता है। इसका मतलब क्या हो गया सर जी, वस्तु से दूर की तरफ कार्य करता है, कहने का मतलब क्या है? देखो एक बार हम एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनाकर देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये संपर्क में वस्तुओं के सीधे सब, जब दो वस्तु सीधे संपर्क में होगी तभी ये कार्यरत होता है ना, सीधे कि पहले सही था, चलो देख लेना यार अपने हिसाब से, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहां पर एकदम बेसिक एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं, मान के चलो मेरे पास ये एक वस्तु है जो क्षैतिज तल पर रखी गई है, तो अगर क्षैतिज तल पर रखी गई है तो आप ये सोचो कि यह क्या किसी के संपर्क में है, क्या यह वस्तु किसी के संपर्क में है? हाँ जी सर बिल्कुल, यह वस्तु संपर्क में है, और किसके संपर्क में है? ग्राउंड के या धरातल। अब देख ज्यादातर क्या करूंगा मैं, डॉट 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 करके बना दिया, मतलब ये नीचे वाली जो सतह है वो जमीन है। क्या है? जमीन है। तो आप ये सोचो कि कहां कहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग सकते हैं। तो सर अगर हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल की बात करें तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर देखो, अच्छा तुम्हें ये बात तो समझ में आती है ना कि अगर एक वस्तु या एक पिंड धरती पर है ना, अच्छा आपने बताया नहीं कभी, पृथ्वी पर है या धरती पर है, तो उस पर उसका एक कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, अरे पृथ्वी पर उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा m, और उस द्रव्यमान के कारण उस पे एक भार लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? भार, जिसका मान होगा mg। भार बराबर होता है mg,
ना द्रव्यमान गुणा जी, और ये वस्तु हवा में लटकी रहे, इधर लटकी रहे, मैं पकड़ के रखूं, नहीं पकड़ के रखूं, जमीन पर रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे हमेशा और हमेशा mg लगेगा, और mg सदैव चाहे जो हो जाए इस दिन में, क्यों, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे लग रहा है, तो भार या mg सदैव नेगेटिव y में लगेगा। अच्छा नेगेटिव वाई समझ नहीं आएगा सर, एक बार देखो, ऐसे लिख देते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर नेगेटिव वाई या माइनस जे कैप में कार्यरत होता है। क्लियर है कहानी, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा, आपको जो पता होना चाहिए था, है ना, कि एम जी कहां लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है। चल अब एम जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, अब इस पे हम क्या समझे, देखो बेटा इस वस्तु पर, अब मुक्त पिंड आरेख बनाने के स्टेप्स क्या है, मुक्त पिंड आरेख बनाने के स्टेप्स है कि सर जी सबसे पहले वो वस्तु बनाओ, बनाई हुई वस्तु, तो अब इस वस्तु पे सारे बल दर्शा दो, तो इस वस्तु पर, है ना, इस वस्तु पर नीचे की तरफ एक mg का बल लगेगा। अब ध्यान से समझना, अगर एक वस्तु पर नीचे की तरफ mg का बल लग रहा है ना, मतलब मुझ पे भी mg बल लग रहा है, तुम पर भी mg लग रहा है ना, अब ये देखो एक तो ऐसी और छोटी सी बात कि जो mg होता है, mg जो होता है ना, वो कहां लग रहा है, मतलब हमारा ये इतनी बड़ी बॉडी है तो इतनी बड़ी बॉडी पे mg कहां लग रहा है सर, mg कहां लग रहा है, mg का बल जो है वह द्रव्यमान केंद्र पर लगता है, द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। अब ये द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जिस पर हम पूरी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं और उस पर बाकी और कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, ये एक आगे चल के पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें समझेंगे द्रव्यमान केंद्र निकालते कैसे, लेकिन बस अभी के लिए मैंने आपको बता दें कि mg जो है द्रव्यमान केंद्र पर, मतलब वस्तु कैसे, वस्तु इसके जो बीचों वाला बिंदु है, एग्जैक्ट बीच वाला बिंदु उस पर लग रहा होगा नीचे की तरफ, पहला बल। उसके अलावा है ना mg ये क्या है, mg भार लगा, भार है इसका, उसके अलावा एक n लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल को हम n से चिन्हित करेंगे, किससे चिन्हित करेंगे, n से, और ये जो n है देख बल ही है, न्यूटन ही इसका यूनिट भी होगा ना, तो n जो है वह ये जो सतह है संपर्क सतह, ये दोनों के बीच में संपर्क सतह है, इसके अभिलंब, तो संपर्क सतह के अभिलंब मतलब कि ऊपर की तरफ इस पिंड पर लगेगा, ये जो m द्रव्यमान वाला पिंड है इस पिंड पर ऊपर की तरफ लगेगा, कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, क्लियर है ना, तो ये n जो है ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो कहां पर ऊपर की तरफ, किस पर लग रहा है, पिंड पर, धरातल द्वारा, धरातल द्वारा भी लिख सकते हैं, या जो संपर्क सतह थी उसके द्वारा ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर अब मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसके एफबीडी में केवल दो ही बल होंगे, मुक्त पिंड आरेख बना रहे हैं हम इसका, एक नीचे की तरफ आएगा बेटा mg, और y अक्ष में ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनना, एक और नई बात इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर, अगर वस्तु किसी भी अक्ष में विराम अवस्था में है तो उस अक्ष के सापेक्ष परिमाणी बल शून्य होना चाहिए। जब वस्तु या पिंड विराम अवस्था में हो तो, ये मुझे पता है तुम्हें आता है ना, होता है, तो परिमाणी बल एफ नेट शून्य होता है,
ठीक है। तो अब ये जिस भी अक्ष के सापेक्ष हो, जैसे अब ये वाई अक्ष के सापेक्ष है, तो यहां पर एफ वाई नेट वाई अक्ष में परिमाणी बल, वाई अक्ष में परिमाणी बल एफ नेट जो होगा बेटा, एफ नेट होगा तुम्हारा शून्य। मतलब कि देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ mg है, तो माइनस mg लिखा। अरे नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, जीरो कर दिया। या मैं आसानी से लिख सकता हूं कि सर नॉर्मल बराबर होगा mg के, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा वो mg के बराबर होगा। और ये बात मैंने प्रूव भी कर चुका हूं ऑलरेडी, अगर न्यूटन के गति का तीसरा नियम सोचो तुम, तो ये वही लिखा हुआ है वास्तविकता में कि तुम जितना बल पृथ्वी पर लगाओगे, पृथ्वी भी तुम पे उतना ही बल लगाएगी। तो पृथ्वी पर तुम कौन सा बल लगा रहे हो? mg नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो पृथ्वी तुम पर कौन सा प्रतिक्रिया बल दे रही है? है ना, दोनों से क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकता है, हमने देखा था पिछली क्लास में। तो तुम पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा, एकदम आसान सा सवाल, क्लियर है कहानी? चलिए बेटा, एकदम बेसिक सी बात थी, अब हम इसे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू करते हैं। जैसे मान के चलो, अब मेरे पास एक नहीं दो डब्बे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। यहां पर एक M1 द्रव्यमान का डब्बा है, और एक M2, और एक M2 द्रव्यमान का डब्बा है। ये दोनों डब्बे पे डब्बा रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, डब्बे पे डब्बा है, तो अब इस आपको बताना है, आपको बताना है M1 और M2 और M2 और धरातल के बीच N क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो देखो कैसे करें, पहले तो सबसे पहले अब हमारे पास दो पिंड है, पहली बार दो पिंड आए हैं ना, तो इसको कैसे एनालिसिस करेंगे? सबसे पहले संपर्क की जगह ढूंढो। तो सर एक जगह इधर है, अच्छा और क्या होगा? सर एक जगह ये रही, ठीक है। अच्छा अब यहां पर, यहां पर अगर हमने दो जगह बना ली, मतलब दो संपर्क स्थान ढूंढ लिए, अब अगर मैं M1 की जिंदगी के बारे में सोचूं, M1 को पहले एक बार अलग से बना लूं मैं, है ना, क्योंकि अलग से अभी तक क्यों नहीं बनाया, स्टेप वन अभी तक कर ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टेप वन ऑलरेडी उसी में था, वो खुद ही स्टेप वन था, है ना। अब हमें स्टेप वन अलग से करना पड़ेगा। M1 जो है उस पर M1 जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अच्छा एक नॉर्मल रिएक्शन पृथ्वी इस पर वापस देगी, इसे मैं N1 बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, N1 बोल रहा हूं, ठीक है। N1 क्या हो गया, धरातल और M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन को N1 बोल दिया, और M1 और M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन को मैंने N2 बोल दिया, क्या बोल दिया, N2। अब ये N2 की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, पहले तो इसका हम रियल लाइफ फील लेते हैं। देखो बेटा, मान के चलो कि अगर तुम पृथ्वी पर थे, पृथ्वी पर खड़े हुए थे, तो तुम्हें लग रहा था अच्छा मेरे ऊपर एक कुछ बल लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। डिब्बे की जिंदगी के बारे में सोचो, वो रखा हुआ तो उसको लगा अच्छा हाँ मुझ पे एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है। अब उसके सर पे अचानक से एक और डब्बा रख दिया, डब्बे पे डब्बा रख दिया, तो जो नीचे रखा हुआ डब्बा है उसको कैसा प्रतीत होगा, ये सोचो। जो नीचे रखा हुआ डब्बा उसे कैसा प्रतीत होगा? सर जो नीचे रखा हुआ डब्बा है उसे ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे ऊपर से कोई धक्का लगा रहा है मुझे, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और नॉर्मल रिएक्शन या एक और अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये धक्का लगाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल धक्का लगाता है ना। जैसे देख N1, M1 पर पृथ्वी ऊपर की तरफ धक्का लगा रही है, और M1 पर ही यहां पर जो M2 है, M2 जो है वो भी नीचे की तरफ धक्का लगा रहा है उस पर। M2 और पृथ्वी डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, ध्यान से सुनो।
M2 और पृथ्वी डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, है ना। लेकिन क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से, जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पर एक वेइंग मशीन, समझते हो ना, जिससे हम वजन नापते हैं, वजन नापने की मशीन पे एक डब्बा रखा, तो वो डब्बा जो है उसका भार वो मशीन बताएगी या उसका द्रव्यमान बताएगी, उसे भार बताती है, द्रव्यमान कैसे निकलता है आगे समझेंगे। इसके ऊपर एक और डब्बा रख दिया, तो क्या ये कॉमन सेंस से बात मानते हो कि सर अगर एक और डब्बा रखा आपने तो यहां पर ये जो मशीन है वो द्रव्यमान या जो भार है वो तो ज्यादा बताएगी, है ना। इधर 1 किलो रखा हुआ है तो इसके ऊपर 1 और किलो रख दिया तो कितना, 1 किलो बताएगी या 2 किलो बताएगी, सर अब वो मशीन जो है वो 2 किलो रीडिंग देगी, है ना, या 2 किलो पाठ्यांक देगी। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले के बारे में सोचूं तो उसके वो मशीन के संपर्क में तो डायरेक्ट था ही नहीं, अरे वो ऊपर वाला जो है वो मशीन के संपर्क में डायरेक्ट नहीं था, तो अगर वो मशीन के संपर्क में डायरेक्ट नहीं था तो उसका भार कैसे जोड़ लिया मशीन ने ऐसे जोड़ा क्योंकि M2 ने एक धक्का M1 को दिया नीचे की तरफ और M1 ने एक धक्का N2 को दिया ऊपर की तरफ और इस पूरे को मैंने N2 बोल दिया। क्यों दे दिया उसने वापस, क्योंकि अरे अभी M2 पे MG तो लगेगा, ये यहां पर भी हो रहा है, MG तो लग ही रहा है, लेकिन एक धक्का इसने नीचे जमीन पे मारा तो जमीन इस पर मार रही है, इसने नीचे जमीन पर मारा तो जमीन इस पर मार रही है, है ना। अब उस धक्के की वैल्यू M1G ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब नया आएगा, क्यों, क्योंकि अब डब्बे पे डब्बा है, तो अब क्या होगा भैया, सर डब्बे पे डब्बा रख दिया तो यहां पर ये जो ऊपर वाला डब्बा है वो नीचे वाले डब्बे को नीचे धकाएगा, लेकिन बोलेगा अरे नहीं मैं तुझे ऊपर धकाऊंगा, वो बोलेगा नहीं मैं तुझे नीचे धकाऊंगा, क्यों चल रहा है ये, अरे अगर इसने इसे नीचे धका दिया तो डब्बा तो फूट जाएगा और एकदम नीचे चले गया, तो उसे भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, उसे रोक कर रखना है ना। जैसे अगर मान के चल तो किसी भी चीज को उठाता है तो अगर तो हाथ हटा देगा तो नीचे गिर जाएगी वो, तो है ना, तो उठाता है तो वो जितना भार तुम पर लगा रही है, जितना वजन तुम पर लगा रही है उतना ही तुम भी लगा के रखते हो, तभी तो उठी हुई है, या तो फिर हाथ टूट जाए और नीचे गिर जाए, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चीज टूटती कैसे, है ना, किसी भी एक सामान पे दूसरा सामान रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, नीचे वाला टूट कैसे गया, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डब्बे बढ़ाते जा रहे हो तो वो नीचे वाले पर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर सारे मिलकर धक्का लगाते जा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली हो सकता है टूट जाए, क्लियर है ना। जैसे हमने से देखा होगा ना ये, कि अगर जैसे कुछ ये मिट्टी पोली हो जाती है या बारिश के दिनों में गाड़ी खड़ी हुई है वो एकदम से स्टैंड लगाया वो गिर गई है, ना स्टैंड लगा था, स्टैंड टिकाई नहीं गिर गया, क्यों, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल इतना नहीं दे पा रही थी। आया मजा, बात समझ में आई। तो यहां पर अब क्या होगा, अब अगर मैं M1 पर देखूं तो M1 पर एक और नीचे की तरफ N2 लगने लगा, क्यों लगने लगा N2 इसके ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला जो रखा है वो नीचे एक और धक्का लगाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो जमीन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, उसे कोई ना कोई तो चाहिए पकड़ के रखने के लिए, तो पकड़ के रखने के लिए M1 उस पे ऊपर धक्का लगाएगा और N2 M1 पर नीचे धक्का लगाएगा, है ना। ये क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा पेयर में आते हैं, युग्म बल होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इसका FBD बना दूं यहां पर तो क्या होगा, देखो M1G नीचे की तरफ है, N2 नीचे की तरफ है और N1 ऊपर की तरफ है। अच्छा सर, तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, N1 जो होगा वो M1G प्लस N2 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि फिर से Y दिशा में F नेट क्या है, 0 है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब मैं जा रहा हूं M2 के पास, किसके पास जा रहा हूं, M2 के पास, तो M2 के पास जाऊंगा तो क्या होगा, M2 पर नीचे की तरफ एक M2G लग रहा है, क्या लग रहा है, M2G लग रहा है और M2 पर ही एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ N1 दे रहा है, अगर ये नहीं देता तो M2 नीचे गिर जाता, तो इस पर ऊपर की तरफ एक N2 लग रहा है,
देख कहानी कुछ ऐसी है कि जब तुम इन दोनों FBD को जोड़ो तो N2 कट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो आंतरिक बल है। N2 कैसा बल है? आंतरिक बल है, अंदर ही अंदर लग रहा है, पता भी नहीं चला किसी को। आई बात समझ में ना? अंदर ही अंदर खेल हो गया इसका। तो देख N1 इस पे ऊपर की तरफ है, सॉरी N2 इस पर नीचे की तरफ है और इस पे ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो क्या होगा? उड़ गए तोते। नीचे की तरफ M2G आएगा और ऊपर की तरफ N2 आएगा। तो ये N2 बराबर होना चाहिए M2G के। मतलब मुझे पता चला कि इन दोनों के बीच में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो M2 के भार के बराबर है। और ये बात प्योर 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 कॉमन सेंस की बात है कि सर अगर एक डब्बा रखा है उसके ऊपर दो को लगाओ और डब्बा रख दो तो वो और कितना भार बढ़ गया, या जो नीचे वाला डब्बा है इसको कितना रोकना पड़ेगा, कितना भार लगाना पड़ेगा, 2 किलो के बराबर लगाना पड़ेगा यार, है ना। ये 10 किलो का डब्बा था, इसके ऊपर 2 किलो का डब्बा रख दिया तो इससे ऊपर की तरफ से रिएक्शन कितना देना पड़ेगा या अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना देना पड़ेगा ताकि वो रुका रहे, उसके भार के बराबर देना पड़ेगा। उसके भार से ज्यादा दे तो पता चला उड़ गया हो, तो भार से कम दिया तो गड्ढा करके नीचे चले जाएगा। तो ये प्योर कॉमन सेंस की बात है भाई कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हमने FBD से प्रूव करा कि M2 का मान, N2 का मान जो ऊपर की तरफ लगेगा वो M2G लगेगा। अगर N2 आ गया तब N1 क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा M1G प्लस N2, या मैं लिख सकता हूं M1G प्लस M2G। मतलब धरातल को जो नॉर्मल रिएक्शन देना पड़ेगा अब, है ना। अब धरातल की जिंदगी के बारे में सोच ले, कॉमन सेंस की बात। धरातल की समान की तो जमीन पर खड़ा हुआ था, है ना, या वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है, तो 50 किलो का आदमी है, फिर उस तरह तुम्हारे हाथ में 10 किलो का एक और बच्चा रख दिया तो अब रीडिंग कितनी आएगी या कितना पाठ्यांक आएगा, कितना जमीन पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? अब 60 किलो लगेगा ना यार, 50 ऑलरेडी था, 10 किलो और दे दिया तुझे, तो 10 किलो तुम्हारे हाथ ने बच्चे पे लगाया लेकिन बच्चे ने भी तुम्हारे हाथ पे लगाया जिसकी वजह से नीचे 60 किलो हो गया। नीचे 60 किलो कैसे हुआ? सोचा है ये कभी? बच्चा सीधे जमीन के कोई संपर्क में नहीं है लेकिन फिर भी जमीन को तुझे हवा में रखने के लिए 60 किलो का, या ऊपर रखने के लिए 60 किलो क्या है, 60 × g न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा देखा ना, अगर मान के चलो एक डब्बा रखा हुआ, उसके ऊपर डब्बा रख दिया, उसके ऊपर डब्बा रख दिया, टेबल टूट गई, है ना, टेबल पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, टेबल टूट गई। तो क्यों टूट गई? क्योंकि वो तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाते, भले ऊपर वाला नीचे संपर्क में नहीं है लेकिन वो उस पे बल लगाएगा, 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 अल्टीमेटली जो सबसे नीचे वो टेबल पे लगाएगा, और अगर टेबल उस चीज को सहन नहीं कर पाए तो टूट जाएगी। तो यहां से एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक बहुत ही जबरदस्त SP स्टार मेथड बता रहा हूं, है ना। ध्यान से सुनना अब मेरी बात को, कॉमन सेंस की बात। क्या कॉमन सेंस की बात? कि यहां पर अगर डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा और एक और डब्बे पे डब्बा रखा जाए, तो अगर तुम्हें किन्हीं भी दो डब्बों के बीच में किन्हीं भी दो, अरे भाई साहब, किन्हीं भी दो डब्बों के बीच में नॉर्मल N, नॉर्मल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल पूछा जाए, डब्बे के ऊपर सभी डब्बों का भार जोड़ दो, चखा है तब भैया।
हमें यहाँ पर M2, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर M2 और M1 के बीच में अभिलंब प्रतिक्रिया बल पूछा तो यहाँ पर इस सतह के ऊपर या इस डब्बे के ऊपर कितने डब्बे, सर एक ही डब्बा है M2 जी, तो उसका भार लिख दे, वो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। इस सतह पर नॉर्मल रिएक्शन पूछा था तो इसके ऊपर कितने डब्बे है उन सबका भार लिख दे इंटू जी कर दे, या उस सबका द्रव्यमान इंटू जी कर दे, वो उस सतह का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। जैसे देख मैं तो एक बहुत ही खतरनाक सवाल करवा देता हूँ इस पे, तीन डब्बों का सवाल, कितने डब्बों का सवाल, तीन डब्बों का सवाल, क्या एफबीडी बनाओगे? नहीं 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 नहीं, हम बिना एफबीडी बनाकर एक्सपी स्टार मतलब से कर देंगे इस डब्बे को या इसके सवाल को 10 किलो 6 किलो ऐसा, ये कोई याद करके नहीं आता मैं घर से, 4 किलो। तो अब तुम्हें बताना यहां पर ओरल सवाल होना चाहिए, कमांडोस कम ऑन, 10 अभी हमें बताना है, 4 किलो और 6 किलो के डब्बे के बीच नॉर्मल, सोचो। तो सर सीधे आंसर लिख दो क्या सवाल के साथ ही, एक एक लाइन का सॉल्यूशन, ये सोचो यहां पर नॉर्मल निकालना है, अगर तुम्हें यहां पर नॉर्मल निकालना है तो इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर 4 किलो का डब्बा है, तो 4 किलो का डब्बा नीचे भार लगा रहा होगा, तो यहां पर जो नॉर्मल का मान आएगा इसे हम एन वन बोल देते हैं और ये हो जाएगा 4 × g सीधे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 4 किलो का द्रव्यमान रखा है या 4 किलो का पिंड रखा है, वही नीचे की तरफ धक्का लगाएगा और कोई धक्का लगाने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम बिना एफबीडी बनाकर एक्सपी स्टार मतलब से कर देंगे इस डब्बे को या इसके सवाल को 10 किलो 6 किलो ऐसा, ये कोई याद करके नहीं आता मैं घर से, 4 किलो। तो अब तुम्हें बताना यहां पर ओरल सवाल होना चाहिए, कमांडोस कम ऑन, 10 अभी हमें बताना है, 4 किलो और 6 किलो के डब्बे के बीच नॉर्मल, क्या होगा सोचो। तो सर सीधे आंसर लिख दो क्या सवाल के साथ ही, एक एक लाइन का सॉल्यूशन, ये सोचो यहां पर नॉर्मल निकालना है, अगर तुम्हें यहां पर नॉर्मल निकालना है तो इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर 4 किलो का डब्बा है, तो 4 किलो का डब्बा नीचे भार लगा रहा होगा, तो यहां पर जो नॉर्मल का मान आएगा इसे हम एन वन बोल देते हैं और ये हो जाएगा 4 × g सीधे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 4 किलो का द्रव्यमान रखा है या 4 किलो का पिंड रखा है, वही नीचे की तरफ धक्का लगाएगा और कोई धक्का लगाने वाला नहीं है। क्या ये बात बखूबी रूप से चमकती है बच्चा सभी को? इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने बोला तुम्हें कि यहां पर मैंने कहा तुम्हें कि 6 किलो और 10 किलो के बीच, तुम चाहो तो इसमें जैसे मैंने 2 किलो एफबीडी बनाया वैसे 3 किलो बनाओ, मेहनत कर सकते हो, लेकिन मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। 6 किलो और 10 किलो के बीच नॉर्मल, इसे हम N2 बोल देते हैं, तो क्या होगा सोचो। N2, ये इतना डिफिकल्ट सवाल लेकिन 2 लाइन में हम सॉल्व कर रहे हैं, आधी है, 2 लाइन भी नहीं रहे, एक सवाल खुद ही है। यहां पर नॉर्मल पूछा तो इसके ऊपर कितने डब्बे हैं, इसके ऊपर कितने डब्बे हैं, इसके ऊपर सर 2 डब्बे हैं, उन दोनों डब्बों का भार लिख दे, वही नॉर्मल रिएक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अब इसे किसे संभालना है, दोनों ऊपर वालों को, तो 6 + 4 बोलो, आ गया मजा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये अरे अच्छा, ये इसको हम सॉल्व कर दे क्या, एक बार इसको भी सॉल्व कर देते, ये हो गया 10 g, या g का मान होता है सर 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन, यहां कितना हो गया 40 न्यूटन, कितना हो गया भैया 40 न्यूटन। अच्छा ऐसे ही 10 किलो और धरातल के बीच,
इतना हो जाएगा, सर जी ये हो जाएगा N3 हो जाएगा, और ये यहां पर लगने वाला है, और इसके ऊपर के ऊपर के ऊपर सबको मिलकर ये धक्का लगा रहा है ना। जमीन को किसे पकड़ के रखना है, किसको पकड़ के रखना है, ये सोच सर इन तीनों को पकड़ के रखना है। तो जगह 10+6+4 इंटू जी जो डब्बा है उसके ऊपर कितने डब्बे है, अगर ये हमने समझ लिया, ये बात हमें चमकती है, तो हम चुटकिया बजा बजा के आंसर निकाल पाएंगे हमेशा। आई बात समझ में है? तो एक प्रकार का हमने अभिलंब प्रतिक्रिया पे सवाल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब सवाल ही सवाल होंगे हमेशा, है ना, अब सवाल ही सवाल है, थ्योरी खत्म हो चुकी है हमारी, है ना। सवाल को करने के लिए थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी सी, नए प्रकार की। अच्छा सर ये तो आ गया हमें, और क्या समझना होगा। अब मान के चलो कि हमेशा जरूरी नहीं कि जो हमारा जो सतह है वो सीधी ही हो, है ना, किसी कोण पर भी हो सकती है। जैसे अब है भैया कसौटी जिंदगी की, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहां पर एक नत समतल बना दिया, तो पहले तो इसे समझते हैं नत समतल मतलब क्या होता है। नत समतल बेटा क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्लैंक था, है ना, एक प्लैंक था, या ऐसा समझो एक लकड़ी का पटिया था, वो जो पहले क्षैतिज में रखा हुआ था, उसको मैंने ऐसा खड़ा कर दिया और यहां पे इसके नीचे को स्टैंड फंसा दिया ताकि हमेशा ऐसा रह जाए। तो ये जो क्षैतिज से कोण बना रहा है उसको हम थीटा बोलेंगे, और इस चीज को हम नत समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? नत समतल। नत मतलब किसी कोण पर एक समतल रखा गया है। क्लियर है कहानी? तो नत समतल, ओहो नत समतल, तो किसी कोण पर यह रखा गया है। तो अब क्या होता है बेटा, जब भी यहां पर कोई भी एक डब्बा रखा जाएगा, है ना, तो सर रखा जाएगा तो फिसल जाएगा, हाँ, क्योंकि घर्षणहीन है ना, सारी सतह घर्षणहीन सतह है, तो सर अगर आपने रखा तो ये तो फिसल जाएगा, फिसल जाने दो। फिसलते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक दो और बातें भी समझ लेते हैं। अगर इस ब्लॉक पर ना, अभी मैं FBD कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं नत समतल पर समझना चाह रहा हूं क्या हो रहा है। जैसे यहां पर मैंने पहले समझा कि एक समतल पे मैं एक ब्लॉक को रखता हूं, एक ब्लॉक को, पहला ब्लॉक जो रखा था उसपे नीचे MG ऊपर नॉर्मल लग रहा था, तो यहां पर MG और नॉर्मल कहां लगेंगे? नीचे की तरफ तो MG लगेगा ही लगेगा, MG हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तुम ऐसे जाओ, तुम उधर जाओ, किधर भी जाओ, नीचे MG जो है हमेशा सीधे नीचे की तरफ लगेगा। इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछ रही नॉर्मल कहां लगेगा, इसमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा, तो सर जी आपने सिखाया कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होता है वह सतह के लंबवत लगता है, यह सतह है उसके लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। कहां लगेगा? उसके लंबवत अभिक्रिया बल लगेगा। मतलब अब मुझे समझ में आया कि वास्तविकता में FBD का क्या कार्य था। FBD अगर मैं बनाऊं, अब ये x अक्ष है, y अक्ष है, इस पर नीचे की तरफ MG लग रहा है, और किसी कोण पर, पता नहीं किसी कोण पर, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। क्या इतनी सी बात सबको चमकती है? नीचे MG और किसी कोण पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। अब हम क्या करेंगे, है ना बेटा, देखो ध्यान से पढ़ो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो और मेहनत करो, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं 110% तरीके से समझाता हूं, है ना, अपना डेडिकेशन 110% रखता हूं, तो तुम अगर 100% भी रखो तो भी बात बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो अब धीरे 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 करके अंतर बनाने लगेंगी तुम्हें और बच्चे 15 लाख बच्चों में कि कौन डॉक्टर बनेगा।
तो यहां पर बेटा अगर मैं समझूं तो देखो क्या होगा, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब हमारे पास हमारा जो धरातल था वो ऐसा नहीं बचा, हमारा जो धरातल था वो किसी कोण पर चले गया, क्या चले गया, किसी कोण पर चले गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे अब हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड डॉटेड करके बना था, हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये नहीं है। अब हमारा जो एक्स अक्ष वाई अक्ष पहले सीधा होता था वो किसी कोण पर ऐसे झुक गया है। क्यों झुक गया है? क्योंकि यार हमें देख ब्लॉक कैसा, डब्बा कैसा चलेगा, डब्बा गति ऐसी करेगा या इधर जाएगा, या मैंने बल लगाया तो उधर जाएगा, हाँ मैं उधर चला या ये समतल पे गति करेगा, उड़ थोड़ी ना जाएगा, रॉकेट थोड़ी ना है, गड्ढा होते नीचे थोड़ी ना चले जाएगा, हल्का हाथ थोड़ी ना घूम तोड़ दिया नीचे, जमीन तोड़ दी, हल्का वो हरा वाला जानवर देखो। तो यहां पर ये एन इस तरफ लग रहा है, एक दिन ऐसे मैंने क्लास में बोल दिया था हरा वाला जानवर, एक बच्चा गुस्सा हो गया था, सर वो मेरा फेवरेट है, हल्का उसे जानवर नहीं बोलोगे, हाँ ठीक है बेटा हरा वाला मनुष्य। तो देखो ये नॉर्मल इस तरफ लग रहा था, तो ये मैंने पूरे को थीटा कोण पर घुमा दिया, तो देखिए कितना ये ऐसा था ऐसा घुमाया थीटा कोण पर, तो ये कोण थीटा हो गया मेरा, क्या हो गया, थीटा हो गया। तो हम अब क्या करते हैं, जब भी नत समतल की बात होती है, बातें होंगी तो नत समतल पर mg के घटक तल के समांतर और लंबवत किए जाते हैं। खड़ा हो गया, देखो तो क्या करना है हमें तल के समांतर और तल के लंबवत घटक करना है ना, कौन सा तल है, ये रहा। अब हमें नॉर्मल के घटक नहीं करना है, एमजी का एक घटक, देखिए एंगल थीटा है पहली बात, तो ये लाइन इस लाइन के लंबवत है ना, तो ये वाला कोण भी थीटा आ जाएगा। एक और एसपी स्टार मेथड बता रहा हूं, एक और जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं है ना, जब भी तुम्हें कोण निकालना हो तो ये तरकीब तुम हर जगह लगा सकते हो। क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर दो लाइन के मध्य कोण थीटा होता है, क्या होता है, दो लाइन के मध्य कोण थीटा होता है तो उनके लंबवत जो रेखाएं होंगी उनके मध्य कोण भी थीटा ही होगा। जैसे ये क्षैतिज में एक रेखा थी उसके लंब उसकी और उसके साथ में एक और ये रेखा थी जिनके बीच में कोण थीटा है, ठीक है, ये अगर तुमने ट्रिक समझ ली तो कभी थीटा में कंफ्यूजन नहीं आएगा, बाकी मैं और दूसरे तरीकों से बता दूंगा तुम्हें। देखो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के लंबवत ये वाली लाइन है, ये कौन थीटा था, इसको और इधर बढ़ा दिया। अब इस लाइन के लंबवत एक लाइन मैंने ऐसी खींची और इस लाइन के लंबवत एक लाइन ऐसी खींची, तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं और समझूं और जानूं तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल के लंबवत ये वाली लाइन है और इसके लंबवत ये वाली लाइन है, तो इनके मध्य कोण ये भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता तो देखो दूसरे तरीके से समझा देता हूं, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। यहां पर ये तो मानते हो ना कि ये दोनों लाल वाली एक दूसरे के लंबवत है, अरे यार एक्स एक्स वाई एक्स एक्स एक दूसरे के लंबवत होते ना, तो एक्स को घुमाया है तो ये भी एक दूसरे के लंबवत है, ध्यान से सुन मेरी बात को। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा,
90 माइनस थीटा होगा सर। अच्छा अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो अगर ये एक दूसरे के लंबवत है तो यहां पर 90 माइनस थीटा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो यह कहूंगा 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो इस पर से फिर से थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि फिर से इन दोनों कोण का योग, ये कोण और ये कोण का योग फिर से 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों कोण का योग फिर से 90 डिग्री होना चाहिए, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो उसे फिर से थीटा होना पड़ेगा। कॉपी पे पेन चला ले, कर ले एक बार, जिंदगी सुधर जाएगी अगर ये समझ में आ गया तो। यहां पर ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, कोटा में बच्चे ऐसे घूमते रह जाते हैं, है ना, एसपी स्टार नहीं मिल पाता है। तो यहां पर ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है, तो क्या बोल रहा हूं, दो लाइन के बीच अगर कोण थीटा होगा तो उनके लंबवत के बीच में भी कोण थीटा होगा ना, तो ये दो। अरे यार अभी भी नहीं आया क्या समझ में, अभी आया कि नहीं? ये अगर अल्फा वन है अल्फा टू है, मान लेंगे चलिए अल्फा वन प्लस अल्फा टू 90 डिग्री होना चाहिए, बहुत ही मूर्ख था, बढ़िया कर। ये अल्फा टू कितना 90 माइनस थीटा है, 90 कट जाएगा ना यार, अल्फा वन बराबर थीटा आया कि नहीं, ये अल्फा वन बराबर थीटा आ गया। हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। तो अब सर क्या पता चला, यहां से हमें बहुत जोरदार बात पता चली कि यार अगर ये mg नीचे की तरफ है तो ये वाला जो घटक होगा, ये वाला घटक है ना, तो ये कोण के साथ है। अब मैं फिर से मेहनत नहीं करने वाला हूं, मैंने तुम्हें बताया जो कोण के साथ होता है वो cos थीटा होता है, और इधर वाला जो होता है वो mg sin थीटा होगा। कोण के साथ जो घटक होता है वो हमेशा cos थीटा होता है, कोण के लंबवत जो घटक होता है या कोण के विपरीत घटक जो होता है वो हमेशा sin थीटा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, एक घटक mg cos थीटा, एक घटक mg sin थीटा, और यहां से आदि अनादि काल तक तुम ये बात याद रख सकते हो कि जब भी है ना ये बात रट भी लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। ये हमेशा कितनी बार होगा, ये शायद पूरा फिजिक्स जब तक 2 साल पढ़ोगे तो एक आध करोड़ बार तो हो ही जाएगा यार। कैसे, क्या होगा कि आपको एक नत समतल पर एक पिंड रखा रहेगा तो उसमें ये बात आप बहुत भयंकर तरीके से भी याद रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब एक नत समतल पर एक पिंड रखा होता है तो उसमें नीचे की तरफ इस तरफ एमजी लगता है, नहीं वो नहीं बनाएंगे, सीधे घटक बना सकते हो, एक एमजी कॉस थीटा इस तरफ लगता है और एमजी साइन थीटा नीचे की तरफ लगता है, और ये एमजी था। और नॉर्मल रिएक्शन कहां था भैया, नॉर्मल रिएक्शन तो सर इस तरफ था। तो याद रख लो इस चीज को कि तल के है ना, मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, कुछ नहीं समझाता तो, जोर तुझे पता भी नहीं चलता तो अच्छा याद रखना है, अच्छा ठीक है, हम तो नीट वाले बच्चे याद रख लेंगे, नहीं समझ, फील ले चीजों का कि जो तल के सापेक्ष घटक होता है वो हमेशा एमजी साइन थीटा होता है, तल के लंबवत जो घटक होता है वो एमजी कॉस थीटा होता है हमेशा। तो अगर मैं अब ये मेरा वाई अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है और ये मेरा एक्स अक्ष है, तो अगर मैं यहां पर एफ नेट देखूं वाई दिशा में तो वाई दिशा में एफ नेट क्या होगा, एफ नेट बराबर 0 होगा और ये एम नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात अगर आपको आधी नींद में भी याद हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये बात चमकनी चाहिए कि एक नत समतल पर जब भी एक ब्लॉक रखा जाएगा तो उसमें mg cos थीटा जो होगा नॉर्मल के बराबर होगा, और mg sin थीटा उसे नीचे फिसलाएगा, mg sin थीटा उसे नीचे फिसला देगा, mg sin थीटा उसे नीचे गति करवाएगा, क्योंकि x दिशा में अब और कोई बल नहीं है, x दिशा में और कोई बल नहीं है। क्लियर है, इसके और भी थोड़े डिफिकल्ट सवाल का हम करेंगे, लेकिन अभी हमें इतना समझना बहुत आवश्यक बात है। ठीक है, इसमें हल्का सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, हल्का सा एग्जाम्पल ना, थोड़ा सा ऐसे ही एग्जाम्पल, इसके जैसा ही एग्जाम्पल, मान के चलो यहां पर एक 60 डिग्री के कोण पर एक 10 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है ना, अब ये 10 किलो का रखा हुआ है और ये नीचे की तरफ गति करेगा, करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, गति करेगा भी तो भी नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगा, तो यहां पर हमें नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना होगा बताना है। तो कैसे करेंगे, नॉर्मल का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, ये सूत्र याद होना चाहिए, एम जी
कॉस थीटा। तो एम कितना है सर, एम तो 10 किलो है, इंटू 10 कॉस 60, ये हमारा आंसर आ गया। तो कॉस 60 कितना होगा, ये होगा सर 10 गुणा 10 गुणा 1 बटा 2, या मैं इसे लिख सकता हूं 50 न्यूटन। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और 50 न्यूटन आएगा। क्लियर है बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए नत समतल का। अब आगे की तरफ एक्सेलरेशन वगैरह कितना होगा वो भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में जानना है जो हमने ये सब कुछ जाना। क्लियर है कहानी। वैसे एक्सेलरेशन निकालना से कोई बड़ी बात भी नहीं है बेटा, है ना, एक्सेलरेशन हम निकाल भी सकते हैं। जैसे हमने क्या देख लिया, अब देखो ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि अगर एक नत तल पर एक ब्लॉक एम है तो इसमें हमने देख लिया सर एक नीचे एम जी कॉस थीटा लगेगा, उसका एक नॉर्मल इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा। तो देखो यार, अगर मैं इस तरफ देखूं तो इसमें और कोई बल नहीं लग रहा है, तो अगर मैं इसका त्वरण देखूं, है ना, मतलब ऐसा बोल सकता है हमको कि नत समतल पर त्वरण, तो इसका त्वरण कितना आ जाएगा, ऐसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है एम ए, त्वरण कैसे निकालेंगे, बल से, बल होता है एम इंटू ए। तो यहां पर लिख सकते हैं सर ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा बराबर एम ए, तो एम ने एम को मार दिया, हो गया जी साइन थीटा। तो आप चाहो तो इसको भी सीधे सीधे याद रख सकते हो कि अगर एक ब्लॉक को हम नत समतल पर लेटाए तो उसका जो त्वरण होता है वो जी साइन थीटा होता है। कितना होता है, जी साइन थीटा। जैसे हमारा ये जो सवाल है इसमें अगर हमसे त्वरण पूछता, तो त्वरण क्या कर देते, जी साइन थीटा, तो त्वरण हो जाता जी साइन 60, या हम इसे 10 गुणा रूट 3 बटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे वो 5 बटा रूट 3 हो जाएगा, ऐसे हम त्वरण वगैरह भी निकाल सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी चर्चा थी जो हमने आज खत्म कर दिया ना, मतलब नत समतल पर हमें आगे भी बहुत सारी चर्चाएं करनी होगी। क्लियर है बेटा, है ना। इसमें और भी ऐसे सवाल आ सकते हैं कि जैसे यहां पर देखो ये वही सारे सवाल है जैसे अभी हमने करा वैसे ही, है ना, क्या कि यहां पर आपको बोलेगा कि यह नत समतल पर रखा हुआ है। दो सवाल के रूप में बताऊंगा, आखिरी दो बात है, इनके दोनों के जवाब सेम ही होंगे। यहां द्रव्यमान है एम, इस पे इधर बल लगा है एफ, है ना, तो एफ का मान बताइए, एफ कितना हो, का मान कितना हो ताकि यह विराम अवस्था में रहे, या यही सवाल आपको ऐसा बोलेगा कि यहां पर हमने एक दीवार लगा दी, है ना, नत समतल के लंबवत एक दीवार लगा दी और यहां पर एक ब्लॉक एम है, ठीक है, ये भी कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, तो आपको ये बोला जाएगा दीवार द्वारा दिया गया, दीवार द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया बल, दीवार द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा, मतलब दीवार इस तरफ में बल देगी, तो देख दीवार बल लगाए या तुम इधर से एफ बल लगाओ बात बराबर ही है, दोनों कंडीशन में साम्यावस्था में रहेगा ही रहेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि सर इसमें इस तरफ नीचे तरफ एम जी साइन थीटा लग रहा है, चाहो तो एफबीडी से भी देख सकते हो, है ना, एफबीडी में क्या बनाएंगे हम, ये सर ये नत समतल में नीचे तरफ एम जी साइन थीटा लग रहा है और इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा ना, अगर मैं किसी कोण पर या क्षतिज में देता तो उसमें और डिफिकल्ट बातें होती, थोड़ी अलग बातें होती, है ना, उनको हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, लेकिन अभी तो हम समझ सकते हैं कि सर इधर नॉर्मल है, इधर एम जी कॉस थीटा है, तो ये यहां पर अगर एफ है तो वो एफ का जो मान होगा, एफ का मान जो होगा वो एफ बराबर एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए बेटा, एम जी साइन थीटा के बराबर बल होगा तब वह रुका रहेगा, वह नीचे नहीं जाने वाला। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, विलंब प्रतिक्रिया बल जो होगा, तो यह होगा नॉर्मल बराबर एम जी साइन थीटा ना, क्योंकि एम जी साइन थीटा के बराबर ही बल लगेगा तो वह नीचे जाने वाला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट सी चर्चा हमने अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे शुरू करी है, खत्म नहीं करी है, शुरू करी है, ठीक है, चलो।
तो अभी तो कहानी शुरू हुई है, तो अब हम इसको ही अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी दो आसान से सवाल दे रहा हूँ, न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर ही आधारित बहुत आसान से दो सवाल है, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा उस पर एज सच बहुत बड़ा नीट में या जी का हम नीट का सवाल या प्रीवियस कोई सवाल तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक सी बातें पढ़ी है। ठीक है, आने वाली क्लासेस में 100% इस पे बहुत बढ़िया सवाल हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी दो आसान से सवाल, जल्दी से इनका जवाब दो। पहला सवाल आपके सामने, कोई चीज अगर तैर रही है मतलब उस पे क्या होगा, है ना, साम्य अवस्था में है तो कुल बल क्या होना चाहिए। चलो बेटा आसान सा सवाल, टाइम अप। अगर मान के चलो 10 ग्राम, ये क्या है, 10 ग्राम का कॉर्क है, 10 ग्राम का एक लकड़ी का टुकड़ा है जो पानी में तैर रहा है। तो अगर पानी में तैर रहा है बेटा तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ वैसे उत्प्लावक बल लगता है, कौन सा बल लगता है, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल या इसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बायंड फोर्स के नाम से, वो ऊपर की तरफ लगता है जब भी कोई वस्तु पानी में पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से मतलब पूरी या कुछ हिस्सा अगर पानी में डुबाया जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, नीचे एमजी ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल है, लेकिन उससे तो क्या बोला है कुल बल, तो कुल बल क्या होगा शून्य होगा, क्योंकि वह तैर रहा मतलब कुल बल शून्य होगा, तभी वो वहां पर साम्य अवस्था में है। चलो बेटा इसी प्रकार से एक और बढ़िया सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब दो। चलो बेटा बहुत बढ़िया, उम्मीद है सभी ने ये जवाब सही किया होगा। आसान सवाल है, एक बार ट्राई करते हैं ना, 5 ms मतलब मिली सेकेंड। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बोला है कि यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक द्रव्यमान या इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 150 ग्राम दिया हुआ है ना, या हम इसे 0.15 किलो लिख सकते हैं, किलो की एक गेंद है। ठीक है, वह ये हमने इस प्रकार के काफी सारे सवाल किए बेटा ना, 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, फिर बोला है कि एक बैट द्वारा प्रहार किया जाता है जिससे वह वापस भेज दी जाती है सहाट से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें संवेग में परिवर्तन क्यों, क्योंकि हमें बल निकालना है, तो बल क्या होगा संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो संवेग में परिवर्तन लिख सकते हो तुम m इंटू वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन सर हम लिख सकते हैं अगर हम परिमाण की बात करें तो ये 40 से जा रही है 60 से आ रही है, तो ये -60 -40 या m इंटू -100 लिख सकता हूं मैं, एकदम आसान सी बात, 40 से गई 60 से आई तो -100 परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे बल क्या लिखेंगे बेटा, द्रव्यमान है 0.15 इंटू, है ना, 0.15 इंटू -100 बटा समय है 5 मिली सेकेंड, सॉरी 10^-3, है ना, 10 ms मतलब मिली सेकेंड, क्योंकि जो बॉल बैट से टकराएगी तो बहुत बहुत कम से कम समय मतलब 0.005 सेकेंड के लिए टकराएगी। तो यहां क्या हो गया बेटा, देखो ये 2 0 उड़ेंगे तो ये 2 0 कट जाएंगे, तो क्या 15/5 × 10^3 ऊपर चले गया, माइनस साइन है हमें पता है वो दिशा दिखा रहा है केवल, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 × 10^3 मतलब कि 3000 न्यूटन का बल लगाया इतने कम समय में। क्लियर है कहानी बेटा,
चलो तो एक और बहुत बेहतरीन सा सवाल हमने आज की क्लास में कर लिया, अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। मुक्तपिंड आरेख बनाने के लिए क्या देखा था हमने कि अगर है ना वर्बली रिवाइज करते हैं, अगर मुक्तपिंड आरेख बनाना है तो आपको उसके लिए वो बॉडी बनानी पड़ेगी, उसपे जितने बल उस पिंड पे जितने बल गुजर रहे जिस भी दिशा से गुजर रहे उन सारे बलों को बना दो, फिर वो सारे बल बन जाएंगे। क्या करोगे फिर उसके बाद में, उसके बाद में एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाओ है ना, और उन सभी बलों को उस मूल बिंदु से गुजार दो और फिर उनके घटक वटक ले लो और घटक लेकर उनके एक्स में और वाई में परिमाणी निकाल सकते हो। क्लियर है कहानी बेटा? तो इस प्रकार से हम मुक्त पिंड आरेख से ये सारी कहानी देख पाए थे। फिर देखा था कि अगर मुक्त पिंड आरेख बना लिया वस्तु साम्य अवस्था में, तो एक्स में उसमें जिस भी दिशा में साम्य अवस्था होगी, एक्स में हो या वाई में हो, उसका परिमाणी बल शून्य कर सकते हैं हम। साथ ही साथ अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है कि सर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, या कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह में सतह के लंबवत जो बल लग रहा है उसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्लियर है बेटा? और ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होता है इसका मान कितना होता है, कैसे निकालते हैं? सर जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा, तो fd बराबर हमने देखा कि नॉर्मल बराबर mg होता है। फिर हमने एक स्पेस स्टार मेथड पढ़ा कि अगर ब्लॉक पे ब्लॉक रखा गया है तो उसमें अगर आपको किसी भी ब्लॉक के बीच में अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है तो उसके ऊपर कितना ब्लॉक रखा है उसका भार रख दो, बस वही अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। जैसे अगर हमको यहां का अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना है तो 1, 2, 3 जितने ब्लॉक है उन सब का रिजल्टेंट नीचे की तरफ। क्लियर है? जैसे M1 या M2 या M3, तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा? ये सर इन सबका योग कर दो, इन सबका भार जोड़ दो नीचे वाली सतह के लिए। ऐसे ही ऊपर वाली सतह के लिए भी कर सकते हैं, उसके ऊपर वाली सतह के लिए भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमने एक बात पढ़ी कि नत समतल होता है बेटा, तो उसमें अगर एक ब्लॉक रखा हुआ होता है तो उसमें एम होगा, तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एमजी कॉस थीटा के बराबर होता है और एमजी साइन थीटा इसे नीचे की तरफ गति करवाता है। क्लियर है कहानी? एमजी साइन थीटा से नीचे की तरफ गति कराता है। चलो बेटा, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह होमवर्क आपको क्लास के बाद ऐप में ही मिल जाएगा। अब हम कल की क्लास में व्यक्ति लिफ्ट संबंधी बातें भी करेंगे, आभासी भार वगैरह देखेंगे क्या होता है, और अभिलंब प्रतिक्रिया पर और महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ठीक है, और समय बचेगा तो हम रस्सी में तनंद भी 100% देखेंगे। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया।